हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वॉल्यूम स्टडी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एएलपी टेक्नीशियन भर्ती 2018 के बारे में। जी हां फ्रेंड्स, काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आरआरबी ने एएलपी टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खुशखबरी जारी की है। साथ ही फ्रेंड्स, एक ऑफिशियल अपडेट भी जारी कर दिया है, जिसमें फ्रेंड्स एएलपी टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट के लिए न्यू रिप्लेसमेंट पैनल जारी किया है और सभी कैंडिडेट की लिस्ट को रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। फ्रेंड्स, रिप्लेसमेंट पैनल की बात करें तो इसमें एएलपी और वेरियस कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट शामिल हैं, जिसमें पीसीएम और सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन वाले कैंडिडेट भी हैं, जिनका यहां पर रिप्लेसमेंट पैनल जारी किया है। फ्रेंड्स, रिप्लेसमेंट पैनल में एएलपी कैंडिडेट की बात करें तो 63 कैंडिडेट हैं जिनका रिप्लेसमेंट पैनल जारी किया है। वहीं पर वेरियस कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन के भी 90 कैंडिडेट हैं जिनका रिप्लेसमेंट पैनल जारी किया है। फ्रेंड्स, इसी वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि जिन कैंडिडेट के यहाँ पर न्यू रिप्लेसमेंट पैनल जारी किए हैं उनके डिवीजन अलॉटमेंट कब किए जाएंगे और इनके ज्वाइनिंग ट्रेनिंग का प्रोसेस कब स्टार्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आपको लगातार न्यू अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये रही रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहाँ से देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, बेंगलोर। तो फ्रेंड्स, बेंगलोर वाले कैंडिडेट्स के लिए ये अपडेट आया है। इधर देखिए, वेरियस कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट के लिए अपडेट आया है, जिसमें कैटेगरी नंबर 34, 49, 50, 51, 66, 84, 134, 136 और 144 है। यहाँ से देखिए, टेक्नीशियंस प्रोविजनल पार्ट पैनल 7 रिप्लेसमेंट पैनल के रूप में आया है। 29 जनवरी 2021 की डेट का ये अपडेट है। सेकंड जो अपडेट आया है टेक्नीशियन के बाद एएलपी वाले कैंडिडेट्स के लिए आया है, जिनका प्रोविजनल पार्ट पैनल यहां पर 6 जारी कर दिया है और ये अपडेट 23 जनवरी की डेट में आया है, लेकिन इसे अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया है। अब फ्रेंड्स, दोनों ही अपडेट को एक एक करके ओपन करके देखते हैं। तो सबसे पहले एएलपी वाले कैंडिडेट के डिटेल को देखते हैं। यहाँ से देखिए, मैंने इनकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लिया है। अब देखिए इसमें क्या अपडेट जारी किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, बेंगलोर। सीईएन नंबर 1/2018, असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन, प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ 63 कैंडिडेट रिकमेंडेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। अब फ्रेंड्स, नीचे चलते हैं तो यहां से देखिए क्या क्या अपडेट जारी किए हैं कैंडिडेट के लिए। तो यहां से देखिए, द लिस्ट ऑफ 4,892 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाज पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ आरआरबी बेंगलोर ऑन 6/6/2019 एंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल फॉर ऑल द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हैव बीन कंप्लीटेड 27/9/2019। इसके बाद में फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, फ्रॉम अमोंग द कैंडिडेट्स हु वर प्रेजेंट एंड फाउंड सुटेबल इन डीवी एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर देयर ऑप्टेड पोस्ट, 63 कैंडिडेट आर बीइंग प्रोविजनली रिकमेंडेड टू द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली फॉर अपॉइंटमेंट इन द रेलवे। यानी अब 63 और कैंडिडेट का यहां पर एक रिप्लेसमेंट पैनल जारी कर दिया है और सभी कैंडिडेट के जो डिटेल हैं प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली के लिए फॉरवर्ड कर दिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो भी यहां पर एएलपी वाले कैंडिडेट हैं, सारे के सारे कैंडिडेट कैटेगरी नंबर 2 यानी मैकेनिकल से हैं। यहाँ से देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट साउथ वेस्टर्न रेलवे 63 कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट के यहाँ पर रोल नंबर मेंशन कर दिए हैं। तो जो भी कैंडिडेट के रोल नंबर इस लिस्ट में हैं, सभी अपने रोल नंबर यहाँ से चेक कर लीजिए। और फ्रेंड्स, जिन भी कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि कौन कौन से कैंडिडेट के यहाँ पर वेटिंग क्लियर हुए हैं। ये अपडेट फ्रेंड्स 23/1/2021 को जारी कर दिया था, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे अभी अपलोड किया है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद में बात करते हैं टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट के रिप्लेसमेंट पैनल की। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर अपना डिटेल देख लीजिए। वेरियस कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर रिप्लेसमेंट पैनल जारी किया है। तो देखिए, मैंने पीडीएफ फाइल ओपन कर लिया है यहाँ से। अब देखिए कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनके यहाँ पर रिप्लेसमेंट पैनल जारी किए हैं। देख लीजिए, सीईएन नंबर 1/2018, असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन, प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ 90 कैंडिडेट रिकमेंडेड फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन। अब इनके भी यहाँ पर बेसिक डिटेल दे रखे हैं कि कब कब इनका यहाँ पर कितने कैंडिडेट का पैनल जारी किया था, कब इनके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे और कब इनका यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था, सारे डिटेल दे रखे हैं। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट अपडेट को, फ्रॉम अमोंग द कैंडिडेट हु वर प्रेजेंट इन फाउंड सुटेबल इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर देयर ऑप्टेड पोस्ट, 90 कैंडिडेट यानी 90 कैंडिडेट आर बींग प्रोविजनली रिकमेंडेड टू द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल
ऑफिसर साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली फॉर अपॉइंटमेंट इन द रेलवे, यानी इनके बाद अब 90 और कैंडिडेट का यहाँ पर एक रिप्लेसमेंट पैनल जारी किया है। और अब देख लीजिए नीचे कौन कौन सी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, कितने कितने हैं। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट में कैटेगरी नंबर 34 जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल वाली है, साउथ वेस्टर्न रेलवे से टोटल 3 कैंडिडेट के इसमें रोल नंबर जारी किए हैं। फ्रेंड्स टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट भी देख लीजिए कौन कौन से कैंडिडेट के वेटिंग क्लियर हुए हैं। तो यहाँ से देखिए कैटेगरी नंबर 49 ट्रेन लाइटिंग वाले कैंडिडेट हैं, केवल एक कैंडिडेट के रोल नंबर इसमें दिए हुए हैं। कैटेगरी नंबर 50 से देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग वर्कशॉप इनको मिला है साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत, टोटल 3 कैंडिडेट हैं। इसके बाद कैटेगरी नंबर 51 से देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRD साउथ वेस्टर्न रेलवे, टोटल 9 कैंडिडेट हैं जिनके यहाँ पर रोल नंबर दिए हुए हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो की PDF फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से देखिए कैटेगरी नंबर 66 टेक्नीशियन, यहाँ से देखिए ग्रेड 3 फीटर वर्कशॉप वाले कैंडिडेट हैं, केवल 2 कैंडिडेट, रोल नंबर यहाँ से देख लीजिए। कैटेगरी नंबर 84 टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिस्ट, यहाँ से वर्कशॉप में देखिए साउथ वेस्टर्न रेलवे से टोटल 4 कैंडिडेट हैं, सभी के रोल नंबर यहाँ पर जारी कर दिए हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ से देखिए कैटेगरी नंबर 134 टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल वाले कैंडिडेट हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे से, और बहुत बड़ा पैनल है फ्रेंड्स, 47 कैंडिडेट हैं और सभी कैंडिडेट के रोल नंबर यहां पर मेंशन कर दिए हैं। तो जो भी कैटेगरी नंबर 134 से है अपनी डिटेल यहां से चेक कर लीजिए। और फ्रेंड्स जिन भी कैंडिडेटों का यहाँ से वेटिंग क्लियर हुआ है वेटिंग का नंबर आप ज़रूर बताएं। इसके बाद यहां से देखिए सिग्नल वाले कैंडिडेट कैटेगरी नंबर 136 से टेली कम्युनिकेशन साउथ वेस्टर्न रेलवे, टोटल 19 कैंडिडेट हैं और यहां पर रोल नंबर सभी के दिए हुए हैं। इसके बाद कैटेगरी नंबर 144 जो कि टर्नर वर्कशॉप वाली है साउथ वेस्टर्न रेलवे से, टोटल 2 कैंडिडेट के यहाँ पर लिस्ट जारी कर दिए हैं। ये डेट है 29 जनवरी 2021 का। तो फ्रेंड्स टोटल कैंडिडेट की बात करें दोनों पैनलिस्ट को मिलाकर, तो देखिए ALP वाली लिस्ट थी उसमें 63 कैंडिडेट थे और इधर टेक्नीशियन वाली जो लिस्ट है इसमें टोटल 90 कैंडिडेट हैं, यानी 153 कैंडिडेट हैं जिनका यहां पर पैनल लिस्ट जारी किया है। अब फ्रेंड्स इनकी ट्रेनिंग की बात करें, पहले तो डिवीजन अलॉटमेंट की बात करें, तो फ्रेंड्स जिन कैंडिडेट का यहाँ पर पैनल लिस्ट जारी कर दिया है चाहे वो ALP के हों या फिर टेक्नीशियन के, अब इनके जल्द ही यहाँ पर डिवीजन अलॉटमेंट किए जाएंगे और जो ALP वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा। उसके बाद इन कैंडिडेट को ऑफर ऑफ अपॉइंट मिलेगा और यहाँ से देखिए जो टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट हैं इनके लिए जल्द ही यहाँ पर ये डिवीजन अलॉटमेंट के बाद में डायरेक्ट यहां पर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जारी करेंगे। तो फ्रेंड्स इस भर्ती से रिलेटेड जैसे ही कोई और अपडेट आएगा वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू अपडेट आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहे। धन्यवाद।